हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो आज का समय हुआ है अभी 11 बजे रात के और तारीख है आज 8 अप्रैल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन हम पिछले 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। आज का जो तीसरा लेक्चर जो है ऑन द सीरीज इन कंटिन्यूटी, जो कि रोलिंग मोशन का ही पार्ट है, केवल और केवल इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अटेंड कर सकें। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें देख लीजिए, और इन केस अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कंटिन्यू मेरे साथ इस लेक्चर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्या है कि हमने अब तक पढ़ा था कि रोलिंग मोशन में मैंने इंट्रोडक्शन टाइप आप कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। ये बताया था कि दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन ही है क्या, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो रोलिंग मोशन हो रहा है उसमें आपको एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना सिखाया था, दूसरा मैंने सिखाया था वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करना, और सेम केस एक्सेलेरेशन का भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले हम आज एक नया पॉइंट उसमें पढ़ने वाले हैं इन रोलिंग मोशन, दैट वन इज द प्योर रोलिंग। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग वही लगा है रोलिंग मोशन, उसी के सब पार्ट में सब टॉपिक कौन सा है, प्योर रोलिंग। ठीक है, तो काफी मजेदार टॉपिक है, काफी उमदा टॉपिक है प्योर रोलिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, देन वी विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन। सो फील फ्री एंड बी स्टे विथ मी। ओके, चलिए क्या करना है। तो मान लीजिए कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास क्या है, सी। सेंटर ऑफ मास सी है, ये इसका वेलोसिटी वी है। ठीक, ओके, नाउ इट्स आल्सो इट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो दो तरह के मोशन जो हम काफी जमाने पर से पढ़ते आ रहे हैं वही दिया है, कुछ भी नया नहीं। अब प्योर रोलिंग क्या है, ये कुछ अपने लिए क्या है, नया है। ठीक है ना, मजेदार भी है। देखिए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मस्ट बी इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और गिवन प्लेटफॉर्म क्या कहना चाहते हैं। देखिए कि रोलिंग मोशन हम जानते हैं क्या कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, देन वी कॉल्ड इट एज ए रोलिंग मोशन। ओके, अब रोलिंग मोशन में एक और उसी का सब पार्ट आप कह सकते हैं क्या कि रोलिंग मोशन में एक और टाइप का मोशन होता है जिसे हम कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, क्या मतलब है, इफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है मस्ट बी इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और गिवन प्लेटफॉर्म। कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा उसकी एक ही कंडीशन है, ओनली एंड ओनली वन कंडीशन जो मैंने यहां लिखा, और इसी कंडीशन के बेसिस पर प्योर रोलिंग के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने, मैंने कहा रोलिंग मोशन के अंदर जब भी प्योर रोलिंग का सवाल आएगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वन कंसेप्ट, ओनली वन कंसेप्ट, एंड दैट इज दिस। क्या है ये कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मस्ट बी इन रेस्ट फॉर प्योर रोलिंग मोशन, और वो जो रेस्ट में होना चाहिए वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड या फिर गिवन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब समझाएंगे, ठीक है, डोंट। अब मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, चलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपको देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जो ग्राउंड के साथ में क्या है, कॉन्टेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड गिवन है, इसलिए हम क्या देखेंगे, ग्राउंड के साथ जो कॉन्टेक्ट में है वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, किसका, गिवन रिजिड बॉडी का। ठीक है,
ये वाला एक पॉइंट है जैसे मैं कह सकता हूं कि यस, कि ये पॉइंट जो होगा वो कांटेक्ट में होगा एग्जैक्टली किसके, ग्राउंड वाले के, ठीक है ना। और ग्राउंड वाले को भी मैंने एक पॉइंट कह दिया जेड, ठीक है। सो जेड जो है वो कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, और पी जो है कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है। तो फिर से सुनिए, एक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन। अब इसी रोलिंग मोशन में हम पढ़ रहे हैं प्योर रोलिंग, कि प्योर रोलिंग कब होगा, उसका क्या मतलब, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें आप पढ़ते रहिए कंटिन्यूस, तू भी कंटिन्यूस रही मेरे साथ। क्या कहना चाहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोलिंग मोशन कर रहा है वो प्योर रोलिंग करेगा इफ, पहली कंडीशन क्या, कि सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए रिजिड बॉडी का जो ग्राउंड के साथ क्या है, कांटेक्ट में। तो मैंने कहा कि ग्राउंड पर जो जेड पॉइंट है उसके कांटेक्ट में एक पॉइंट आ रहा है पी, सही है, कांटेक्ट में है ना ये, ठीक है। जैसे जैसे घूमेगा दूसरे दूसरे पॉइंट आते रहेंगे कांटेक्ट में। फॉर द इंस्टेंट राइट नाउ दिस वन इज द सिचुएशन फॉर अस, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दैट मस्ट बी इन रेस्ट, किसमें होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और गिवन प्लेटफॉर्म। तो गिवन प्लेटफॉर्म के लिए हम बात करेंगे, राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्राउंड, ठीक है। अब ग्राउंड का जो वेलोसिटी है वो हम क्या मान के चलते हैं कि फ्रेम ऑफ अपने लिए क्या है, वो एक रेफरेंस है, ठीक है ना। तो ग्राउंड पर जो भी ऑब्जर्वर होगा या पॉइंट होगा उसे हम किससे, कौन से कंडीशन में मानते हैं, हम उसे हमेशा ही रेस्ट वाली कंडीशन में मानते हैं। फिर से सुनिए, ग्राउंड पर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जर्वर या कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्टिकल आपने माना है फॉर रेफरेंस, तो उसका वेलोसिटी यानी कि उसका वेलोसिटी अगर 0 होगा तभी तो वो क्या होगा, रेस्ट वाली कंडीशन में होगा, सही है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको आप वेलोसिटी 0 दे सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ जेड पॉइंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंड है। अब ग्राउंड तो चल नहीं रहा क्योंकि उसे हम क्या मानते हैं, स्टेशनरी मान के चलते हैं, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पज, दैट्स नॉट ए न्यू थिंग फॉर यू, ओके। अब दूसरा पॉइंट है कि इस पॉइंट पे को जो कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ उसको भी किस में रहना पड़ेगा, रेस्ट वाली कंडीशन में रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, प्योर रोलिंग, ठीक है। अभी आपको हाल फिलहाल उसे रेस्ट में लेकर आना है, क्यों कैसे वो हम बातें डील करेंगे, ठीक। चलिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेड, सेम, जो वेलोसिटी जेड का है वही वेलोसिटी पी का होना चाहिए। जेड का वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि वो तो ग्राउंड पर है और ग्राउंड वाले पॉइंट का कोई वेलोसिटी नहीं है, ओके। लेकिन अब बात आ जाती है कि वेलोसिटी ऑफ पी है क्या, तो देखिए यहां था पॉइंट पी, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी, जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वही वेलोसिटी उस रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल का होता है, हाँ या ना, जी हाँ। तो ये इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, वी ही होगा, ठीक है, या फिर वी सी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ओमेगा से क्या कर रहा, रोटेट भी कर रहा, तो क्या आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, विच वी आल्सो यूज टू से व्हाट 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 लीनियर वेलोसिटी, ओके, जिसका डायरेक्शन आर ओमेगा। यानी कि हियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू वी माइनस ओमेगा आर, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, 0, तो वी माइनस वी सी, ये वी सी, ठीक है। सो वी सी माइनस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू 0, अभी ये मिटा दे रहा हूं। ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर, तो ये आ गया अपने लिए एक रिजल्ट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है ना।
इतना लिखिए, फिर से मैं एक इन शॉर्ट वापस ब्रीफली फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आराम से समझ जाइए, आपका टारगेट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोलिंग मोशन कर रहा है उसके रोलिंग मोशन को मैं प्योर रोलिंग कब कहूंगा, उसके लिए पहला कंडीशन क्या, सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड कर लीजिए उस रिजिड बॉडी का जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो ये पॉइंट पी ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड के पॉइंट को मैंने कहा जेड, ठीक है, ग्राउंड के पॉइंट को क्या कहा जेड का। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दूसरा वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो होना चाहिए किसमें, इन रेस्ट। रेस्ट मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो, तो ठीक है। यानी कि फॉर रेस्ट कंडीशन, फॉर कंडीशन ऑफ रेस्ट, फॉर कंडीशन ऑफ रेस्ट वेलोसिटी ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेड, ठीक है ना। पी का वेलोसिटी जो है वो किसका होगा, जेड के वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, इक्वल है तभी उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो रेस्ट में है तो क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेकिन वी जेड वो तो ग्राउंड का पॉइंट है और ग्राउंड को हमने क्या मान लिया है, हमेशा के लिए स्टेशनरी, तो जीरो हो गया। अब पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या है, पॉइंट वी का वेलोसिटी ये है कि इधर क्या है, ये वी है, इधर क्या है, आर ओमेगा है। तो पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, ये वी सी और ये माइनस आर ओमेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी सी माइनस ओमेगा आर इक्वल टू जीरो, फ्रॉम हियर वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू वी सी बाई आर, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर होगा, ठीक है। अब ये तो हुआ कि मैथमेटिकली प्योर रोलिंग मोशन का क्या मतलब था, अब थोड़ा सा हम एप्लीकेशन समझते कि हाँ रियल लाइफ डेली लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है इसके, वो समझेगा, वरना मजा कहाँ है कि नहीं, वरना बेकार है जीवन। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि कई बार होता है कि रोलिंग मोशन का मतलब ये है, अभी मैं सिंपल एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है सीधा भी जा रहा और घूमते हुए भी जा रहा है, यानी कि दोनों मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। तो वैसे भी प्योर रोलिंग की बात तभी कर सकते हैं जब क्या हो, रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग एग्जिस्ट ओनली व्हेन वी हैव रोलिंग मोशन, नॉट ऑलवेज, मतलब तभी एग्जिस्ट करेगा जब रोलिंग मोशन, अदरवाइज नहीं। चलिए अब बात ये आती है कि प्योर रोलिंग और रोलिंग मोशन में डिफरेंस क्या है। प्योर रोलिंग में ये हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है देयर इज नो स्लिपिंग, फिसल नहीं रहा है, वो बिल्कुल भी फिसल नहीं रहा, ठीक है। अब इसे थोड़ा और समझेंगे, ठीक है ना, उसी एग्जांपल को फिर से लिया, यहां सेंटर ऑफ मास वी सी, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा, ये पॉइंट पी, ये वी सी और ये आर ओमेगा, ठीक है। यहां से हमने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेड, यही कहा ना, एंड इट्स कम्स आउट टू बी वी, ले लीजिए वी सी, चलिए मैंने वी ही ले लिया थोड़ा और अच्छा विजुअलाइजेशन करवाने के लिए। v माइनस ओमेगा आर वेलोसिटी है किसका, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, सॉरी वेलोसिटी एट पॉइंट p, राइट, और वेलोसिटी ऑफ z कितना है, जीरो है क्योंकि ग्राउंड पर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि v इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा आर, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा हो
और उसके लिए v इक्वल टू ओमेगा आर हो, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग का मतलब केवल ये है, देर इज नो स्लिपिंग, ओके, मतलब बिल्कुल भी फिसल नहीं रहा है, ठीक है ना, नो स्लिपिंग, और यू कैन से विदाउट स्लिपिंग। नाउ आई होप यू गेट सम आइडिया, ठीक है ना। लेकिन फिसल भी तो सकता है, ये तो वही केस है, मतलब केस हो गया, लेकिन फिसलने वाली भी तो कंडीशन हो सकती है, यस ऑफ कोर्स हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन, ठीक है ना, इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा r, मतलब v बड़ा है ओमेगा r से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किधर फिसलने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो इफ v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, देन देर विल बी फॉरवर्ड स्लिपिंग, करेक्ट। देन इफ v इज लेस देन ओमेगा r, देन बैकवर्ड स्लिपिंग। तो मैथमेटिकली हमने समझा, इफ ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर और वी इक्वल टू ओमेगा आर, देन देर विल बी प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दैट इज द केस फ्रॉम वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द जेई एग्जाम, जेई एडवांस एंड जेई मेंस, ठीक है। नीट एग्जाम में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से प्योर रोलिंग फॉर्मूला बेस्ट बनेगा आपके लिए, ठीक है ना। And if v is greater than omega r, then there will be forward slipping, less than to omega r, backward. सवाल कैसे करने हैं? I will tell you, don't worry. अभी केवल कंसेप्ट समझिए। स्लिपिंग का मतलब फिसल जा रहा है ना। तो अब अपना टॉपिक हो गया है प्योर रोलिंग। तो अब हम पढ़ रहे हैं लगातार प्योर रोलिंग। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था प्योर रोलिंग में, वो लिया था किसका, वो लिया था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ था, है ना, और ग्राउंड का वेलोसिटी, ग्राउंड के सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसका वेलोसिटी हम जीरो कंसिडर करते हैं, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ओके। लेकिन क्या होगा अगर मैं ग्राउंड नहीं लेकर के किसी सरफेस पर, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर उसे चला रहा हूँ, ऐसी सरफेस पर उसे रोलिंग करवा रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म का, जिस सरफेस का खुद का कुछ वेलोसिटी हो सकता है, होने को हो सकता है कि नहीं, तो उसका कंडीशन लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज कि एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इट मे बी अ डिस्क, रिंग, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ओके, वॉट एवर, बट समथिंग लाइक स्फेरिकल, ओके। नाउ here is the point P which is having contact with a given platform. तो ये कोई given platform है, ये इस बार ground के respect में rolling motion नहीं कर रहा, ये इस बार किसी platform के respect में क्या कर रहा है, motion कर रहा। अब platform कोई सा भी, train वाला नहीं, कैसा भी, ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये v नॉट वेलोसिटी से चल रहा, और ये जो सेंटर ऑफ मास इसका वो चल रहा है vc, ठीक। तो ये इस प्लेटफॉर्म के इस पॉइंट पर क्या है, कॉन्टेक्ट में, तो इस पॉइंट को मैंने कहा z, ठीक। तो अगेन द कंसेप्ट इज सेम, क्या कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है दैट मस्ट बी इन रेस्ट, मतलब प्लेटफॉर्म के पॉइंट का वेलोसिटी और उस रिजिड बॉडी के पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, देर विल बी नो डिफरेंस, देर विल बी नो रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेड फॉर प्योर रोलिंग, करेक्ट। नाउ क्या वेलोसिटी ऑफ जेड, पिछली बार ग्राउंड पे था, तुमने क्या लिया था, वी नॉट लिया था, लेकिन इस बार वो ग्राउंड पर नहीं, ग्राउंड पर नहीं होकर के कहां पर है,
किसी प्लेटफॉर्म पर और प्लेटफॉर्म का खुद का वेलोसिटी कितना वी नॉट, यानी कि अगर प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी वी नॉट है तो इस प्लेटफॉर्म के हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी भी क्या होगा, वी नॉट होगा। सो हियर वी हैव वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक, अब पॉइंट पी के पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, देखो यहां पर ये वी सी होगा इसके पास, और ड्यू टू ओमेगा देर विल बी ए अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा आर। ठीक है, चलिए तो वी पी विज इक्वल टू वी सी माइनस ओमेगा आर, नाउ इट मस्ट बी इक्वल। ओके, सो वी पी इक्वल टू वी जेड, वी पी कितना वी सी माइनस ओमेगा आर, वी जेड कितना वी नॉट, इसको इधर ले आए उसको उधर भेज दिए। सो वी सी माइनस वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा ज़्यादा 80% फॉर्मूला बेस्ड जो है आपके न्यूमेरिकल इन केस ऑफ प्योर रोलिंग फॉर वेलोसिटी से बनेगा। ठीक है ना, 100% बन जाएगा इन केस अगर मिक्सअप नहीं है तो किसी का। ठीक है ना, तो वेलोसिटी का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पर, जिसका मैं कंक्लूजन देता हूँ कि ओमेगा से रोटेट कर रहा, वी सी से चल रहा और ग्राउंड पर कांटेक्ट में है, तो ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर फॉर ग्राउंड, और फॉर्मूला किसके लिए फॉर प्योर रोलिंग। सेम ऑब्जेक्ट को किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाके रख दिया जिसका खुद का वेलोसिटी कितना वी नॉट, उसके ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना वी सी, रोटेट कर रहा कितने से ओमेगा से, रेडियस कितना आर, देन इट कम्स आउट टू बी वी सी माइनस वी नॉट अपॉन आर। इसके लिए है ये फॉर्मूला फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, तो अब हम कुछ सवाल करते हैं इसके, आई होप कुछ कुछ आइडिया मिल रहा होगा आपको। दोनों फॉर्मूले दिमाग में छाप लीजिए, अगला सवाल लिखिए। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा, रोलिंग कर रहा। ठीक है, तो ये वी सी, ये ओमेगा, और ये गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट वी सी अपॉन आर गिवन। ठीक है, समझाएंगे क्या मतलब है। सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए बी सी डी, फाइंड वेलोसिटी एट ए बी सी डी। ओके, हियर इट इज, देखिए सवाल देखिए क्या समझाता हूँ। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अब स्फेरिकल कहता हूँ समझ जाए कीजिए, डिस्क रिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, बार बार मुझे चिल्लाना ना पड़े। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा, रोलिंग मोशन। अब मुझे पता नहीं कि रोलिंग है या प्योर रोलिंग। ओके, क्या दिया ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर है डेट मीन्स व्हाट, विच मोशन, प्योर रोलिंग। समझ में आया अभी क्यों पढ़ाया था। ठीक है ना, पता चल जाएगा ये देते हैं कि क्या है वो प्योर रोलिंग में, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किस में, रेस्ट में है, मतलब उसका रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है ना, और रोलिंग मोशन प्योर है तो स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, देर विल बी नो स्लिपिंग। ओके, सो इट्स अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। अब पूछा है अगर ऐसा केस है तो यू विल फाइंड द वेलोसिटी एट ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ए बी सी डी चारों जगह बताना है। देखिए ए पर देखो, कल चिल्ला करके बताया था मैंने पिछले लेक्चर में क्या, कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है वही वेलोसिटी इसके हर एक पार्टिकल का होगा उसी डायरेक्शन में। तो ये क्या है वी सी, तो ये भी क्या होगा
वी सी, ठीक है ना। ओमेगा आर टेंजेंशियल यानी कि लीनियर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू रोटेशन, तो इसी डायरेक्शन में होगा, सही है। चलिए अब पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर वी सी इसी डायरेक्शन में होगा, पॉइंट सी पर वी सी इसी डायरेक्शन में होगा, और पॉइंट डी पर भी वी सी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ओमेगा आर बताएंगे। ओमेगा आर यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ओमेगा आर ऐसा होगा, और यहाँ पर, अच्छा ये वी सी मैंने गलत बना दिया, यहाँ पर वी सी ऐसा होगा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा आर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए इसे हम बढ़ा देते हैं। अब ओमेगा इक्वल टू क्या है, वी सी अपॉन आर है, मीन्स ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, वी सी लिखा जा सकता है, तो जहाँ जहाँ ओमेगा आर लिखा है उसे क्या लिख दो, वी सी। सो इट्स ए वी सी, इट्स ए वी सी, इट्स ए वी सी एंड इट्स आल्सो ए वी सी। पॉइंट ए पर आ जाइए, ए पर दोनों एडिशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा टू वी सी। पॉइंट बी पर दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर क्या आ जाएगा, रूट टू वी सी। सी पर अपोजिट डायरेक्शन जीरो, डी पर अगेन इट्स रूट टू वी सी, ठीक है, तो इट्स रूट टू वी सी, क्लियर, हाँ या ना, जी हाँ बड़ी हाँ, ठीक है ना। देखिए लिख लीजिए, कुछ कुछ बच्चे सोच में कैसे हो जा रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पल्ले पड़ जाएगा भी धीरे धीरे, है कि नहीं, एकदम से हजम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। चलिए एक सवाल और लेते हैं, मल्टीपल करेक्ट है ये, कैमरा देखता हूँ चल रहा है कि नहीं, चल रहा है भाई, तो इट्स गिवन रोलिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स कौन सा आई है, प्योर रोलिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, क्या है, प्योर रोलिंग है, मतलब क्या है, ये गिवन है आपको ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर, ओके, और ये दिया भी है वी सी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट सी है, उल्टा लिख दिया है क्या, चलो ए बी सी, नहीं वो ऑप्शन में ऐसा ए बी सी का यूज हुआ है इसलिए मुझे लिखना पड़ा, ऑप्शन ए बी सी डी, मल्टीपल करेक्ट है, आप खुद चेक कीजिए और उसके बाद बताइएगा, ऐसा ना हो बेइज्जती से डर जाए, कमेंट सेक्शन में कोई करता ही नहीं भाई कमेंट, सवाल के ऑप्शन में देता हूँ हर बार, मुश्किल से कोई एक तो स्टूडेंट करता है ना, गैजेट दोस्त, गैजेट दोस्त नाम से जो आईडी है वो करता है विद्यार्थी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं कमेंट सेक्शन में, उम्मीद है बाकी लोग भी देंगे। वी सी माइनस वी बी, वी माइनस वी सी एंड फाइनली फोर टाइम्स ऑफ वी बी। चलिए ओमेगा से रोटेट भी कर रहा, तो ये चार ऑप्शन है, बताना है कि पर्टिकुलर जो गिवन सिचुएशन के लिए इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, बहुत आसान सा, ठीक है। देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग प्योर रोलिंग है, मतलब ओमेगा इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, वी सी बाई आर, सो इट्स सो इजी, इफ यू कैन यूज ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर, दैट मीन्स ओमेगा आर इज इक्वल टू वॉट वी सी, विच वी विल यूज, डोंट वरी, ओके। वेलोसिटी ही के टर्म्स में सारे ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी तीनों पॉइंट्स की हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, ओके, लेट्स फाइंड आउट, इसके पास वी सी होगा, इसके पास भी क्या होगा, वी सी होगा, ठीक है,
इसके पास एक वेलोसिटी और है, कौन सा? ओमेगा आर। और ओमेगा आर इसके पास, ओमेगा आर इसके पास, ओमेगा आर चेंज हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, चलिए ओमेगा आर को क्या लिख सकते हैं? वी सी ड्यू टू कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है ना, मिटा करके फिर से लिख दिया वी सी। ये वी सी। अब चलिए पहला ऑप्शन वी सी माइनस वी ए, तो ये कितना हो गया? टू वी सी, ये कितना आ जाएगा? रूट टू वी सी, और ये कितना हो जाएगा? जीरो। चलिए ट्राई कीजिए, क्या कहते हैं आप? वी सी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना है? टू वी सी। वेक्टर लेना है मतलब कौन सा है? आई के माइनस वी ए। वी ए वेलोसिटी एट ए क्या है? जीरो है ना, दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल। चलिए इज इक्वल टू टू। अभी ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, वेलोसिटी एट बी कितना? रूट टू वी सी, सही लिखा है ना, रूट टू वी सी आ जाएगा। वी सी का कितना है? वी सी का आ जाएगा आपका वी बी। अच्छा अच्छा अच्छा, वी बी का बताना है, मैंने गलत लिख दिया, वी बी का ये लिखना था। तो बी का वेलोसिटी, बी पॉइंट कहाँ पर है? सेंटर पर है। ठीक है ना, सेंटर पर है तो उसके पास केवल क्या होगी? सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी होगी। ओमेगा आर नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आर क्या है? जीरो है सेंटर वाले पॉइंट के लिए। ठीक है ना, तो ये होगा। हाँ, यहाँ अगर पॉइंट होता तो ओमेगा, मैंने वही देख के लिख लिया। ठीक है ना, मुझे लगा पॉइंट यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर आइए। वी बी, वी बी कितना है? ओनली वी सी इन आई कैप। वी सी कितना है? अगेन टू वी सी आई कैप। चलिए ये कितना आएगा? टू वी सी आई कैप इक्वल टू कितना हो गया? वी सी माइनस टू, वन माइनस टू माइनस इसका टू वी सी आई, क्या ये इक्वल है? नहीं, वेक्टोरियल इट्स नॉट इक्वल, इवन दो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड इट्स इक्वल। ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं है। फिर से देख लीजिए क्यों नहीं है, क्योंकि वी सी माइनस क्या है? वी ए इज इक्वल टू व्हाट? टू वी बी माइनस वी सी करना था। वी सी कितना? टू वी सी इन आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वी ए कितना? जीरो, ये जीरो है। टू वी बी, वी बी कितना है? ओनली वी सी इन आई कैप। वी सी कितना? टू वी सी आई कैप पॉजिटिव एक्स में। तो देख लीजिए इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए वी सी माइनस वी बी ये वाला चेक करते हैं। वी सी का वैल्यू कितना है? टू वी सी आई कैप। वी बी कितना? वी सी आई कैप। वी बी कितना? अगेन वी सी माइनस वी ए जीरो। तो टू में से एक चला गया, क्या बचा? वी सी आई कैप इज इक्वल टू वॉट? वी सी आई कैप, यस इट्स करेक्ट। ठीक है, अगला वी सी माइनस वी ए ट्वाइस ऑफ वी बी माइनस वी सी। तो ये तो मैंने देखा था, वेक्टोरली सेम नहीं था लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या था? सेम था, तो इट्स करेक्ट। ठीक है ना, और वी सी माइनस वी ए देख लीजिए ऑप्शन डी। वी सी कितना? टू वी सी ओनली मैग्नीट्यूड वी हैव टू चेक। वी बी कितना? वी सी, सो नॉट इक्वल। टू वी सी इज नॉट इक्वल टू फोर वी सी, सो दिस वन इज नॉट करेक्ट। ठीक ना, जे में पूछा सवाल है, आलू चालू नहीं लिया। ठीक ना, अगला सवाल चलिए। ये कितना समय हुआ है आपके लेक्चर में इसमें? चलिए एक लेक्चर और करवाएंगे इसका, एक्सीलरेशन के लिए प्योर रोलिंग में अगला लेक्चर करवा देता हूँ उसका। ये लेक्चर इतना ही रखते हैं वेलोसिटी का, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं अगला कौन सा अपना एक्सीलरेशन। ओके, तब तक के लिए मजे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं कीजिए कोरोना वायरस को लेकर के, ऐसा ना हो मजे करते रहें और मजे में ही खेल खत्म हो जाए, उससे अच्छा है कि आप रोलिंग मोशन पढ़ते रहिए, है ना।